हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके लाई हूँ कमरकस। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, आपको पेन होता है, तो ऐसे में अगर आप ये कमरकस अपनाते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पास ये कमरकस देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कमरकस का सामान्य अर्थ होता है कमर को कसने वाला। कमरकस आपकी कमर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आप जानते हैं कि पीरियड, प्रेगनेंसी और डिलीवरी होने के बाद महिलाओं को अक्सर ये कमर के दर्द हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको ये एक इसका पंजीरी टाइप बना के दिया जाता है, ताकि उनकी जो कमर वगैरह है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो कमरकस फ्रेंड्स बहुत ही यूज़फुल है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसको लिक्योरिया, डायबिटीज़ और खून बहने से रोकने वाले और एसिडिटी को कम करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, बट आज मैं आपको कमरकस के बारे में बता रही हूँ, यानी कि कमर के दर्द के लिए बारे में बता रही हूँ। अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और आप लोग बहुत ही परेशान हैं, तो आप इसका सेवन कीजिए, आपको इससे बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर स्त्रियों को सफ़ेद पानी का रोग हो जाता है, जिसे हम लिक्योरिया के नाम से जानते हैं, ये एक इन्फेक्शन होती है जिसे कमरकस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए कमरकस के पाउडर को रोज़ाना दूध के साथ पीना होता है। साथ ही कमरकस के पत्तों को पानी में उबालकर, इस पानी को अगर आप अपने गुप्तांग को धोते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। मगर इसके पत्ते आपको नहीं मिल पाएंगे, तो आप इसको रोज़ाना अपने दूध में डालकर पी सकते हैं। पीरियड के दौरान होने वाली ज़्यादा ब्लीडिंग, तो माहवारी के दौरान यदि आपका खून ज़्यादा बहता है, तो आप प्लास के फूलों को पानी में उबालकर दिन में एक बार ज़रूर पिए, जिससे खून आना बंद हो जाएगा और ये पानी आपके शरीर में हार्मोन्स को भी संतुलित करेगा। तो कमर दर्द के लिए आप इसकी एक पंजीरी बना सकते हैं, और इसको स्त्री पुरुष दोनों ही ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक इसकी रेसिपी तैयार करनी होगी। उसके लिए आपको 4 कप सूजी, 2 कप देसी घी और नारियल का पाउडर, पिस्ता, गोंद, कतीरा, किशमिश, मखाने, मगज, बादाम, चीनी, इलायची और कद्दू और तरबूज के बीज भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 1/2 कप घी में बादाम, पिस्ता, मखाने, इन सबको भून लेना है और कमरकस को भी भून लेना है। और फिर इन चीज़ों को एक बर्तन में अलग कर दीजिए। अब एक पैन में 2 कप घी डालना है आपको, और 10 छोटी इलायची के बीज और सूजी डालकर आपको हल्का हल्का उसको भूरा होने तक भूनना है। अब उसमें चीनी, बादाम, पिस्ता, ये सब डाल दीजिए और लास्ट में कमरकस को उसमें डाल दीजिए। तो इस पंजीरी को आप रोज़ 1 टेबल स्पून 1 ग्लास दूध के साथ लीजिए, और इस मिश्रण को आप कांच के जार में 2 महीनों के लिए सोख के रख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको कमर दर्द है, लिक्योरिया है, और आपको चाहे वो जेंट्स हो, उनको दिक्कत हो रही है कमर में, तो सभी के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें, साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो फ्रेंड्स, कमरकस के कुछ भाग नुकसान या साइड इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान और ज़्यादा लंबे समय तक कमरकस का सेवन ना करें। कमरकस का ज़्यादा सेवन करने से एनीमिया और किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज बस मुझे आपको यही बताना था। आप इसकी पंजीरी बनाकर यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि कमर के दर्द के लिए कुछ बताइए, तो ऐसे में मैंने ये एक छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।